पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ के चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहा है और इस बात का परिचय इन्हीं दिनों से मिलता है कि 3-20 दिन के अंदर 3 सभाएं नरेंद्र मोदी जी की लगातार जो है गृहमंत्री जी का छत्तीसगढ़ दौरा, उसके बाद एक साथ 10-10 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है छत्तीसगढ़ के चुनाव को। इसमें दूसरी चीज जब हम बात करें, मोदी जी ने जो आज बातें करी है कि उन्होंने गारंटी की बात करी है, उन्होंने जो बात करी है कि जनता के जो सपने हैं वो मोदी का संकल्प है, तो ये जो सारी गारंटी दे रहे हैं उस गारंटी के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार वो पिछले 4 साल के अंदर जितने भी घोटाले हुए हैं उनका भी जिक्र उसी दमदारी के साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक बड़ी बात पिछले बार कांग्रेस ने उठाई थी उनके छत्तीसगढ़ दौरे के समय, ये उठाई थी रेलवे को लेकर, तो उस समय उन्होंने पूरे देश में जो है कांग्रेस ने जो है रेल रोको आंदोलन किया था और उसके माध्यम से उन्होंने ये जवाब जो है चाहा था मोदी जी से कि लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल हो रही है, उन ट्रेनों को कैंसिल न किया जाए, छत्तीसगढ़ के लोगों को आम जनता को उससे असुविधा हो रही है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने उस सब्जेक्ट को भी टच किया है, उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार थी उस समय, केंद्र में जो सरकार थी कांग्रेस की उस समय केवल 300 करोड़ रुपए जो है वो छत्तीसगढ़ को मिलता था, लेकिन आज मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद, इस बात को गौर कीजिएगा, मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए जो है वो जनता को यहाँ के लोगों को हमने दिया है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर रेल सुविधाओं का विकास हो, तो इस बात का जवाब भी उन्होंने इसके माध्यम से दिया। इसके साथ साथ भी हम देखिए कि उनके यहाँ जो आपने सवाल किया उनके यहाँ दौरे से क्या भाजपा की जीत की गारंटी भी निकल करके आती है, तो देखिए निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फेस है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फेस है। इस बात को भी गौर करिए, मैंने दो चीजें आपको कही, सबसे पहली चीज मैंने आपको कही थी जो मोदी जी की गारंटी और दूसरी चीज मैंने कही कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फेस, इन दो बातों को गौर करिए।